हेलो गाइस, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बॉल एंड ट्यूब मिल का सेकंड पार्ट, जो पहले वाले वीडियो से बच गया था। आज मैं आपको दिखाऊंगा मिल का क्रॉस सेक्शनल व्यू एक्चुअल में कैसी दिखती है, सील एयर फैन, उसका ऑयलिंग सिस्टम और अंदर से कैसी दिखती है, जो बॉल्स होती है वो क्रसिंग होती है वो कैसे होती है। लेट्स गो। देखो ये है पूरा जो डायग्राम दिखा रखा मैंने, ये मिल का क्रॉस सेक्शनल व्यू है पूरा अपना। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आ रहा है ये एयर आ रही है, जो मैंने आपको बताई प्राइमरी एयर वाला, यहाँ पे इनलेट लिख रखे हैं ये। और दूसरा ये देखो, ये है सील एयर फैन असेंबली, एयर सील असेंबली यहाँ है, एयर इनलेट एल्बो ये है ही। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये ड्रम का सेल है, ये पूरा है, इसको नॉइज़ वगैरह बाहर नहीं आए, ज़्यादा नहीं आए। एक्चुअल में वहाँ जाते हैं पास में तो काफ़ी नॉइज़ होती है वहाँ पे, लेकिन उसको अपन रिड्यूस करने के लिए सेल कवर करके रखते हैं पूरा। ये रिजेक्टर लाइनर है, रिजेक्टर लाइनर क्या होती है कि जो कोल क्रश होने के बाद लिफ्ट होके एयर के थ्रू वो जाता है ऊपर, जो आपको बताया था क्लासीफायर के थ्रू, यहाँ क्लासीफायर्स होते हैं, क्लासीफायर के थ्रू जाता है। देखो ये लिखा क्लासीफायर्स, ठीक है, क्लासीफायर के थ्रू जब ऊपर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ मोटा कोयला होता है, वो वापस यहीं रुक जाता है और वापस क्रस होता है। जब एक लिमिट होती है, फिक्स लिमिट तक फाइन पार्टिकल जब हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है, तो उसके बाद ही ऊपर जाता है। ठीक है गाइस, ये मोटर वगैरह देख सकते हैं आप, अभी मैं दिखा दूंगा। एक्चुअल में मिल मोटर है ये, इसका गियर बॉक्स है, ये पूरा एक्चुअल में दिखता कैसा है मोटर साइड पर वो पूरी दिखाने वाला हूँ आपको मैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो ये मिल होती है साइड पे, एक्चुअल में ये जो बॉक्स है पूरा, ये सेल वाला पार्ट है मिल का। यहाँ पे ग्राइंड क्रसिंग होती है उसकी, कोयले की बॉल्स एक कोल पे गिरती है और कोल क्रस होता है। वो अंदर से कैसे दिखती है आगे डायग्राम में है। ये इसकी मोटर है और ये कनेक्टेड हो रही है यहाँ पे, और ये ऊपर से एक साइड से कोल आता है और क्रस होकर वापस जाता है। इसका ऑयलिंग सिस्टम वगैरह पीछे है वो दिखा देता हूँ अभी आपको मैं। ये देखो ये मिल है एक्चुअल में अंदर से कैसी दिखती है, जो अपन ने क्रॉस सेक्शनल डायग्राम देखा था ऐसा ही था कुछ। ये देखो ये बोल्स है, नॉर्मली इनका डायमीटर क्या होता है, 30, 40 और 50 mm होता है। जैसे घिस जाती है तो ऊपर से क्या उनको रिजेक्ट हो जाती है और ऊपर से बन और बोल्स डालनी होती है। 40 mm और 30 mm होती है, 50 mm वाली 40 mm में साइज रिड्यूस होती रहती है। और ये जो लाइनर्स है, ये कोल एक्चुअली, ये जो बोल्स होती है इस लाइन में ही फंस के ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। जब ये रोटेट करता है, पूरा ड्रम रोटेट करता है या सेल रोटेट करता है इसका, तब वापस कोल पे गिरती है, कोल क्रस होता है और यहाँ पे ये जाता है इधर से। और यह रिजेक्टर लाइन होती है जो अपन ने पहले देखा था अभी, वो रिजेक्ट कर देती है जो मोटा कोल होता है, वो एक फिक्स साइज से ऊपर होता है तो नीचे डाल देती है वापस उसको। ठीक है, अब इसका अपन देखते हैं ऑयल सिस्टम और सील एयर फैन। ये देखो ऑयल सिस्टम होता पूरा, उसके मीटर्स लगे रहते हैं, यहाँ पे डीपी कितनी है, पंप का प्रेशर कितना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा ऑयल सिस्टम, ये जो भी मीटर दिखाया वो वाला मीटर है और पूरा ऑयल सिस्टम है, हर किसी का पंप लगा हुआ वहाँ पे। और ये सील एयर फैन का इनलेट है, अभी दिखा देता हूँ सील एयर फैन कैसा होता है आपका। ये इसका इनलेट है, ये है सील एयर फैन जो मिल की सीलिंग करने के लिए काम आता है, जिससे कि अपना मिल के अंदर से कोल बाहर नहीं निकले। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया मिल का बॉल एंड ट्यूब मिल। थैंक यू।